पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच कौन होगा और यूनुस खान ने क्यों इस्तीफा दिया। सबसे पहले यूनुस खान के बारे में बात करते हैं। यूनुस खान को चंद महीने पहले अपॉइंट किया गया एज अ बैटिंग कोच, मगर अब कुछ महीने पहले ही इनके मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ अच्छे ना थे। ये यूजली इनके पूरी लाइफ के अंदर ऐसी रहा जहाँ इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि यूनुस खान स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। कुछ ज़्यादा ऐसे अगर इनके साथ कुछ किया जाए तो ये बर्दाश्त नहीं करते या यस नहीं करते, ये हमेशा आवाज़ उठाते हैं या इस्तीफ़ा दे देते हैं। कप्तानी में भी इन्होंने ऐसे ही किया, आपने देखा होगा जब ये कप्तान थे तब ही ऐसे ही करते थे। अब भी इन्होंने जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जो इनको बुरी लगी और इन्होंने बैटिंग कोच के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वहीं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट के चंद दिन बाकी हैं सीरीज स्टार्ट होने में इंग्लैंड के खिलाफ। सो इंग्लैंड जैसी टफ सीरीज़ के अंदर नया बैटिंग कोच कौन होगा? जी हाँ, पहले ही डिसाइड कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद यूसुफ, क्योंकि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वहाँ पर शजील खान, आज़म खान जितने भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स हैं वहाँ पर उनके साथ काम करते हैं मोहम्मद यूसुफ, और इसी वजह से यूनुस खान ने रिटायरमेंट ली। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि जब सब काम ही मोहम्मद यूसुफ कर रहे हैं तो मैंने क्या करना है, आप उन्हीं को बैटिंग कोच बना दें। सो अब बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ होंगे, जो कि ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुके हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।